हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने ब्रेड ढोकला बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बनेगा क्योंकि मैं इसे आज माइक्रो में बनाने जा रही हूँ। कई बार टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है और कुकर में हमें ज़्यादा देर लग जाती है, तो इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ब्रेड ढोकला, वो भी माइक्रो में। इंस्टेंट ब्रेड ढोकला बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 ब्रेड। ब्रेड के एजेस हमने अलग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। आधा कटोरी हमने लिया है सूजी, आधा कटोरी दही, दही हमने ताजा लिया है, थोड़ा सा हमने तेल लिया है तड़के के लिए, ये है सरसों, और 3 चम्मच हमने लिया है शुगर, ये तड़के के लिए लिया है हमने, 1 बड़ा चम्मच हमने पिसी हुई शुगर ली है, ये हम ढोकले के बैटर में डालेंगे, छोटा आधा चम्मच हमने नमक लिया है, 1 पाउच हमने इनो का लिया है, 1 नींबू और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये सूखा कड़ी पत्ता है, हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च हमने लिए हैं, आधी आधी काट ली हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को इस तरह से ग्राइंडर के अंदर तोड़कर डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने ब्रेड को ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब को हम एक बाउल में डाल देंगे, बड़े बाउल में। इसके अंदर हम डालेंगे सूजी, नमक, शुगर, थोड़ा सा तेल, सभी इंग्रेडिएंट्स को हम इस तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम डाल देंगे इसके अंदर दही, ये है हल्दी, इसे हमने अच्छे से बैटर तैयार कर लेना है। आधा हम नींबू निचोड़ देंगे इसके अंदर। इस बैटर को हम 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। हम तड़का तैयार कर लेते हैं ढोकले के लिए। इसके लिए एक पैन को मैंने गैस पे रख दिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, करीब 1 चम्मच तेल डाला मैंने, तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म होने पे हम डाल देंगे हरी मिर्च, सरसों, इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इसके अंदर हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, तड़के के अंदर हम डाल देंगे पानी और इस पानी के अंदर हमने डालना है शुगर, इसके अंदर हम आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। शुगर जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। ये हमारा तड़का तैयार है, ये हमने ढोकले के ऊपर डालना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है ढोकले के ऊपर जब हम डालते हैं इसको, तो ढोकला बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम इसके अंदर डालेंगे इनो, 1 पाउच हमने इनो का डाल दिया है और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हिलाकर। आप देख रहे हैं कितनी झाग उठ रही है इसके अंदर। ये हमने एक प्लास्टिक के बाउल को ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से, इसके अंदर हम डाल देंगे ये वाला बैटर। ध्यान रहे इनो डालने के बाद हमने बैटर को बाहर ज़्यादा देर नहीं रखना। अब हम इसे इस तरह से हम टैप कर देंगे, 4 मिनट के लिए हम इसको माइक्रो में लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि ढोकला जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। हम एक नाइफ से इसको देख लेते हैं, नाइफ जो है बिल्कुल साफ़ निकला है। तो ढोकले को थोड़ा सा ठंडा होने दें, ठंडा होने पे हम इसे किसी बाउल या किसी प्लेट में डालेंगे। ये हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमने ये एक पीस अलग कर दिया है, आप देख रहे हैं कि कितना स्पॉन्जी बना है ये हमारा ढोकला। और अब हम इसके ऊपर तड़का डाल देंगे और इसे अच्छे से गार्निश कर देंगे। ये हमने इसको गार्निश कर दिया है, थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे। उम्मीद है आपको ये ढोकला बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। ये हमारा ब्रेड से ढोकला तैयार हो गया है, बिल्कुल बाजार जैसा ढोकला बना है। आपके पास ब्रेड पड़े हैं, आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।